अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। काफ़ी दिनों से मैं किसी ऐसी ओपिनियन के तलाश में थी। मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखे, मैंने मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़े और मैंने ख़ुद भी सोचा कि कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। रिपीट होता रहता है, वही एतराज़ात रिपीट होते रहते हैं, फैक्ट्स रिपीट होते रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली आज मुझे मिल गया एक नया पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई रियली वांट टू डिस्कस दैट। एक इसका जाविया ये होगा और बाकी मामलों पर भी बात करेंगे कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक नया पॉइंट ऑफ व्यू, उस पर तफसील से बात करेंगे, और दूसरा ये बात करेंगे कि पंजाब के अंदर जो निगरान सेटअप है वो वाज़े तौर पर लगता है कि यूनिलेटरल है, जानबदार है। जिस तरह से इमरान खान अपनी सियासत कर रहे हैं पंजाब के अंदर, उस पर भी मरियम नवाज ने एतराज़ किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ तो जो गवर्नमेंट है वो निगरान सेटअप है, वो तो ऐसा लगता है कि नून लीग की पॉलिसीज फॉलो कर रही है, तो फिर इसमें इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाना इसका जवाब या इसका मंतक भी समझेंगे। जो पाकिस्तान की मईशत है, अब तक आपका IMF के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? एक लम्हे के लिए लगता है कि इलेक्शंस बाकी करीब हैं और कैंपेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ की पूरी ताकत के साथ जारी है, और एक लम्हे लगता है कि इलेक्शंस शायद नहीं होंगे। इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल, अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक पाकिस्तान में 1970 और 1977 में थी, लेकिन अब जो 2023 का माहौल है तब तो ऐसा भी नहीं था। जितना सियासी पोलराइजेशन, जितना मीडिया में डिविज़न, जितनी क्योस पैनिक सोशल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से और पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिपेंडेंस की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जितना क्योस पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है, इतना शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं था। इन सब बातों पे मुफसल बात करेंगे। मेरे साथ नासिर बेग चुगदाई साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आदिल शाहजेब मुझे मौजूद है मेरे साथ, उन्होंने एक बहुत रेलिवेंट इंटरव्यू किया है कुछ दिन पहले, उस पर भी बड़ी बात हुई थी, ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे कैरेक्टर्स का आने वाले वक्त में पोलिटिकल पार्टीज़ क्या स्ट्रैटी बनाएंगी इसके हवाले से। रज़ा रूमी मुझे ज्वाइन करें, सीनियर एनालिस्ट तज्जा निकाल रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। नासिर बेग चुगताई साहब आपसे शुरू करती हूँ। सर मुझे बताइएगा कि जो पंजाब में हुआ है ये ठीक था? क्या इतने ही वक्त में निगरान सेटअप को कर देनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर जैसे मोहसिन नकवी साहब ने रद्दअमल दिया, ये सब मुनासिब लग रहा है आपको? अभी दो तरफा उमूर थे, एक तरफ से 302 का पर्चा काटा गया, दरख्वास्त दी गई उसकी अफसरों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत ने अपना पर्चा काट दिया 302 का, तो एक मजाक सा मुझे लग रहा था वो। और अल्टीमेटली अगर आप ओवरऑल देखें जो अब तक के शवाहिद हैं उसमें मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, उसमें मामला ऐसा मुख्तलिफ है कि बस वक्त शर्मिंदगी होती है कि हमारी सियासत कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे रवैये किस तरह के हैं, कि अब तक जो और उसकी तरदीद नहीं आई है कि वो जो बच्चा जहाँ बाक हुआ उसकी वजह क्या थी, उसकी वीडियोस बता दी गई हैं, उसके लिंक्स बता दिए गए हैं, कौन लेकर आया, किस तरह लेकर आया, उस पर आप एहतजाज कर रहे थे, उस पर आज भी आप रैली निकाल रहे थे। सियासत की हालत ये है कि दफ़ा 144 से डर कर लोग घरों में बैठ जाते हैं, जबकि सियासत तो ये थी कि दफ़ा 144 तोड़ी जाती थी, क्योंकि दफ़ा 144 को हम समझते हैं एक साम्राजी इकदाम है, एक साम्राजी कानून है, और हक़ इज्तमा का जो आइन में तस्करा है वो आइन में गारंटी है, उसके खिलाफ वर्जी करता है वो, तो या तो आप फरंगी का जो कानून है उसको अमल करके घर बैठ जाएं तो बक्के बैठ जाएं, या आप आइन की हिमायत करें। तो मुझे नहीं लगता कि कल भी कोई रैली होगी। मखदूम शाह महमूद बहुत एक्टिव हैं आजकल माशाल्लाह, परवेज़ अल्लाह चौधरी को उन्होंने पीछे धक्का दे दिया है, तो ये भी एक सियासत का हिस्सा है। निगरान हुकूमत क्या कर रही है ये आपके सामने है, और वो रिएक्ट करेगी, वो यकीन तौर पर रिएक्ट करेगी, वो लाहौर को, माल रोड को, PSL वगैरह को यकीनी तौर पर महफूज बनाने की कोशिश करेगी, और करना चाहिए। उसका काम हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहना नहीं है, उसका काम निगरानी करना है और हुकूमत चलाना है और सूबे को चलाना है। मेरा ख्याल ये है कि अब PTI वाले आहिस्ता आहिस्ता थक रहे हैं, उनको थकन का एहसास हो रहा है। आज का भी जो मजमा था वो इतना नहीं था, और इसलिए मुलतवी करना पड़ा। बेहतर ये कि सेनेटरी प्रेवेल बैठें, बात करें, कोई मसले का हल निकालें। इंतखाबात तो मुझे अब नहीं लग रहा है कि अब होते हैं। ठीक ठीक, आदिल आपने सुना, मुझे बताइएगा, आप जो आपने इंटरव्यू किया मैं उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ आगे जाके, लेकिन मुझे बताइएगा कि ये मोहसिन नकवी की क्रेडिबिलिटी पे बड़ी बात हो रही थी जब उन्होंने ज्वाइन किया था एज ए जर्नलिस्ट, ही वॉज अपराइट, लेकिन अब जिस तरीके से उनके अंडर काम हो रहा है, आपको लगता है कि अब वो क्वेश्चनेबल होता जा रहा है?
देखिए, एक तो बतूल, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा, और उसकी वजूहात जो है वो तो सिंपल ये है कि आप तो वैसे ही एक प्रोफेशनली स्पीकिंग बड़ी आपकी रिस्पेक्ट थी मेरे दिल में, लेकिन उसके बाद जो अफसार आलम साहब ने कॉलम लिखा, एंड व्हाट यू हैव बीन थ्रू सिंस 2013, और जिस तरह आपको इस्तेमाल करके सलीम साफी साहब को टारगेट करने की कोशिश की, वो आप दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग हैं, बड़ा आपने सफर किया अपनी जर्नलिज्म की वजह से, एंड आई एम ग्लैड कि हम में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं आप लोगों की तरह और सलीम साफी साहब की तरह, जिन्होंने कि ये सहाफत का ये अलम जो है ऐसे वक्त में बुलंद रखा जिस वक्त बहुत ज्यादा आपको ऐसी तकालीफ का सामना करना पड़ा कि यू've ऑलमोस्ट लॉस्ट योर कैरियर इसकी वजह से। जहां तक मोहसिन नकवी साहब की बात है, देखें जिस वक्त उनको अपॉइंट किया जा रहा था, ऑफ कोर्स एक कंट्रोवर्सी थी कि चूंकि वो पीडीएम की जमातों के साथ ज्यादा क्लोज हैं इसलिए उनको अपॉइंट ना किया जाए, लेकिन अब चूंकि वो अपॉइंट हो चुके हैं और उनका अभी तक जो कॉन्डक्ट रहा है अगर उसको देखा जाए तो देखें उनको ज्यादा ब्लेम नहीं किया जा सकता। जो पीटीआई की सियासत है टकराव की, इमरान खान साहब जमान पार्क में बैठे हैं, लेकिन अगर वो कराची में जाके बैठ जाएं और यही सियासत करें तो मुराद अली शाह वही करेगा जो कि एक सीएम को करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब ना होने दी जाए। देखिए, आज जो खान साहब ने फैसला किया, मेरे ख्याल में उन्हें दाद देनी चाहिए, बड़ा एक सेंसिबल फैसला उन्होंने किया, क्योंकि आज भी जिस तरह एक नौजवान की हलाकत हुई और पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है कि उसको कुछ कह रहे हैं हादसा हुआ, कुछ कह रहे हैं कत्ल हुआ, लेकिन एक एक वालिद ने अपना जवान बेटा खो दिया है, तो खुदा ना खास्ता अगर आज भी इस तरह से दो तीन लाशें गिर जाती, कोई कहता कि जी जो है वो हलाकत हुई एक्सीडेंट में, कोई कहता नहीं जी मर्डर हुआ है, लेकिन लाशों पर सियासत करना, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब की निगरान गवर्नमेंट कर रही है या यहाँ पे इमरान खान साहब कर रहे हैं, इस पर हमें अब फुल स्टॉप रखना होगा। जहां तक पंजाब की इस वक्त निगरान कैबिनेट का, देखें उन्हें भी अपने कॉन्डक्ट से शो करना होगा कि वो वाकई निगरान सेटअप हैं, जिस तरह अब आमिर मीर साहब जो हैं भाई हैं हमारे, लेकिन वो जिस तरह से मीडिया पे आके और जिस तरह से वो सवालात के जवाबात दे रहे हैं, तो निगरान हुकूमत अपने आप को खुद कंट्रोवर्स बना रही है। मतलब आप सियासत में ना जाएं, आप इमरान खान साहब को इस हद तक तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं बहसियत निगरान हुकूमत कि जी आप ये जो सियासत कर रहे हैं इससे हमें नुकसान पहुंच रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, लेकिन आप जाके वो बयानात नहीं दे सकते जो कि मरियम नवाज या मौलाना फजलुर रहमान जो उनके सियासी ओपोनेंट्स हैं वो देते हैं। यहां से फिर ये स्मेल आती है कि यार आप तो बिल्कुल पार्टी बन गए, तो ये इंप्रेशन जो है वो खत्म होना चाहिए। साथ में इमरान खान साहब को भी अब ये सोचना होगा कि इस वक्त देखें उनकी सियासत की वजह से हर एक इदारा जो है वो इतना पोलराइज्ड हो चुका है। आप अदलिया को उठा के देख लें, आप एस्टेब्लिशमेंट को उठा के देख लें, मतलब ये डिवाइड हमने तो 75 साल हिस्ट्री तारीख में पढ़ी हुई है, 15-20 साल अपने आंखों से देखी हुई है, रिपोर्ट की हुई है, इतनी पोलराइजेशन जो है वो इदारों में कम अज कम नहीं थी कि क्लियर डिवाइड हो चुकी है। देखिए, इवन हम जर्नलिस्टों में भी, अब मैंने मरियम नवाज का इंटरव्यू किया, अब जो प्रो पीटीआई अपने आप को सहाफी कहते हैं या हम तो उन्हें एक्टिविस्ट मानते हैं, उन्होंने बगैर इंटरव्यू देखे एक लेबल लगा दिया जी इनदर प्लांटेड इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में से अंदर घुस के एक एक चीज निकाल रहे हैं, देखे ना जी ये फलाह हो गया, ये प्लांटेड सवाल था, ये था, ये वो था। यार वी नीड टू मूव ऑन नाउ एज ए कंट्री। अब वे फॉरवर्ड हमारे लिए यही है कि इलेक्शन एक तारीख पे करा दिए जाए, वरना ये पोलराइजेशन जो है ये खत्म होने का नाम नहीं लेगी, ये बहुत ही डैमेजिंग है। इस वक्त एक सहाफी का इंडिपेंडेंट होना या बैलेंस ओपिनियन रखना वो सहाफत में एबनॉर्मल समझा जाता है। यू आर आइदर विद इमरान खान और यू आर कंसिडर्ड अगेंस्ट इमरान खान। मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, और इसका ज्यादातर जो मैं ये कहूंगा कि जो इमरान खान साहब की सियासत रही है या जो उनका तर्ज मतलब डील करने का तरीका है प्रेस के साथ, वो दिस इज द वन टू बी ब्लेम, क्योंकि 3.5 सालों में आप मुझे बता दें एक हाथ के अलावा उसने किन किन इंडिपेंडेंट या बैलेंस सहाफी को इंटरव्यू दिया है। उनके सामने बैठ के जो लोग इंटरव्यू करते थे बतूल, 3.5 मिनट की तमहीद बांधते थे कि इमरान खान साहब आपने एशियन टाइगर बना दिया है, आपने ये कर दिया है,
आपको अल्लाह ताला ने ऐसी तरक्की चाहती, लेकिन मुझे रजा रूमी साहब की तरफ जाने, और जो आपने कहा उसका बहुत शुक्रिया आदिल, इट मीन्स अ लॉट, लिटरली इट मीन्स अ लॉट टू मी, यू आर अ जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। रजा रूमी साहब, ये बताइएगा, ये निगरान सेटअप वाले तमाम मामलों में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये जो मरियम नवाज ने खासतौर पर कहा, मेरे लिए ज़्यादा अलार्मिंग है कि आप दफ़ा 144 से डर गए, क्या कहना चाह रही हूँ, क्या इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ? देखिए, सबसे पहले तो अतुल, मैं जो आदिल ने बात कही है मैं वही दोहराऊंगा, उन्होंने पहले कह दिया, मैं वही कहना चाहता था कि माशाल्लाह आपके आसाब और आपकी बहादुरी जुर्रत को सलाम। आप इतनी मुश्किलात में से गुजरी हैं, जो आपने अपने करियर में भी देखा, और खसूसन ये जो नए इंकशाफात हुए, ये तो होशरुबा किस्म की बातें, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है वो पढ़कर। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ मैं इसकी पूरी मजम्मत करता हूँ, इस तरह से सहाफ़ियों को दबाव में लाना और वो भी फेलो जर्नलिस्ट के खिलाफ जो है इस्तेमाल होने के लिए आला कार बनवाने की तरगीब देना, ये अनएक्सेप्टेबल बातें हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी ये जो बदली है सारा पर इस्टेब्लिशमेंट, वो उन्होंने उसका नोट लेंगे और आइंदा इस तरह की मजमूम कार्रवाइयाँ नहीं करवाएंगे। भाई आप, ये कोई इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, ये कोई पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों में इस तरह का काम करना है कि जो आप सहाफ़ियों को तरगीब दे रहे हैं, तो बिल्कुल ही नामुनासिब बात है। रही निगरान हुकूमत की बात, देखिए बतूर, वो पहले दिन से ही कॉन्ट्रोवर्शल हो गई थी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर इमरान खान साहब की मर्जी का कोई अहदेदार नहीं लगेगा तो वो कॉन्ट्रोवर्शल होगा। ये उनका मनपसंद आर्मी चीफ लगेगा तो वो अच्छा आर्मी चीफ होगा, उनका मनपसंद जज लगेगा तो वो अच्छा जज होगा, उनका मनपसंद निगरान वजीर अल्लाह, कल को निगरान वजीर आजम भी लगना है, वो उसके बगैर उससे कम पर तैयार ही नहीं है। अब बात यह कि मोहसिन नकवी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो गैर मामूली वाकया, निगरान वजीर अल्लाह ये नहीं करते, लेकिन एक साइड है कि वो उसके ऊपर मोहसिन नकवी को बार बार हर चीज के लिए पहले दिन से, बल्कि उसकी अपॉइंटमेंट से पहले ही उसके ऊपर घूंसे लाते हैं, मार रही हैं, बातों के नश्तर बरसा रही है, तो उसको कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, जो आदिल कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर्स का बुनियादी काम ही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको बहाल रखना है इलेक्शन तक, और इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दिन, और इलेक्शन के सर। थैंक यू सो मच, जो आपने कहा, आप हमारे उस्ताद हैं, इट मींस अ लॉट, यू नो मी, एंड आप उस्ताद हैं सर, तो ऐसे उस्तादों के होते हुए गलती कैसे हो सकती है, गलती नहीं हो सकती सर। अच्छा सर, एक स्टेटमेंट है खाकान अब्बासी साहब की, मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे, अभी प्रोग्राम से पहले ही मैंने पढ़ी, मुझे लगा है कोट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये बदलने की ज़रूरत है और ये मानने की ज़रूरत है कि लिस्टें बन चुकी हैं, जो उन लिस्टों के मुताबिक चलेगा वही रहेगा, और कोई सियासी जमात ऐसे नहीं चल सकती। ये खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि लिस्टें बन चुकी हैं और लिस्टों के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा आपको। ये तो आदिल ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि आदिल इस तरह की लिस्टें वगैरह बड़े करीब से देखकर आते होते हैं। जी आदिल, आप भी बताइए कि क्या आदिल मुस्कुरा रहे हैं, मैं चलूंगी उनकी तरफ। जी 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 जी, हमें बस डर ये होता है कि हम उनमें शामिल हैं लिस्टों में कि नहीं शामिल, तो वो लिस्टों के करीब जाते जाते तो रजा भाई ने जो है एक खतरनाक डिलीवरी जो है वो मेरे पास पास ऑन कर दी है, मुझे उसको खेलना है। देखिये, जहां तक शाहिद साहब की बात है ना, इन 5 सालों में एज ए प्राइम मिनिस्टर भी हमने उन्हें काम करते देखा, अदरवाइज एज ए ओपोजिशन लीडर भी हमने उन्हें देखा, जेल में भी वो गए, ही इज द मैन ऑफ कैरेक्टर, और वो जो बात करते हैं वो जाहिरी बात है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लाजमी होता है। तो वो ये जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये उस जानेब इशारा कर रहे हैं कि शायद वो अभी भी ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह न्यूट्रल नहीं हुई और उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात जो है ये पीएमएलएन के अंदर शायद खाकान साहब को करनी चाहिए, अपने प्लेटफॉर्म पे ये उठानी चाहिए कि यार अगर ये जो लिस्टें बन रही हैं, और इमरान खान साहब तो यही कह रहे हैं कि जी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीएमएलएन को और पीडीएम की गवर्नमेंट को फुल फ्लैज सपोर्ट कर रही है, तो अगर ये मियां नवाज शरीफ से पूछें, ये शहबाज शरीफ साहब से पूछें कि ये जो लिस्टें बन रही हैं, और अगर उन लिस्टों का जिक्र है तो उन्हें ये भी पता होगा कि उन लिस्ट में कौन शामिल है कौन नहीं है, तो वो अपनी पार्टी पर मेरे ख्याल है अगर सवाल उठाएं वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें तो ये देखिए 75 सालों में तो लिस्टें बनती रहती हैं, और लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, अभी तक इन 75 सालों में आप एक सियासी रहनुमा दिखा दें जिसने एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली हो या लेने की कोशिश की हो,
और उससे सियासी तौर पर नुकसान ना हुआ हो। पीपल्स पार्टी तो दो बहुत बड़े रहनुमा खो चुकी है, जुल्फिकार अली भुट्टो को जिस तरह से जुडिशली उनकी शहादत हुई, फिर जुडिशरी ने खुद नसीम हसन शाह साहब ने भी एक्सेप्ट किया, तो ये तो हमारी एक तारीख रही है। लेकिन अगर अब इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हमने जो प्रोजेक्ट इमरान खान किया था वो ब्लंडर था, उसको अंडू करना है, तो मेरे ख्याल में अंडू करने में एस्टेब्लिशमेंट शायद न्यूट्रल हो कि उस तरह से उसको अंडू नहीं कर सकती। तो अंडू करना मेरा ख्याल है कि वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए, जब तक ये चीजें अंडू नहीं होंगी मुकम्मल तौर पर हो सकता है कि तो मजीद इन्वॉल्वमेंट ना हो, बाकी कुछ रिवर्स तो नहीं हो सकता। अंडू इसी तरह हो सकता है कि मजीद इन्वॉल्वमेंट ना हो और इवॉल्व करने दिया जाए पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को, सियासतदानों को जो जिस हालत में है उसी तरह इवॉल्व करने दिया जाए। रज़ारूमी साहब, देखिए बुतुल, इसमें अंडू करना सिर्फ ये नहीं है ना, इस वक्त देखें जो जुडिशरी से जिस किस्म के फैसले आए, जिस पर बड़ा सवालिया निशान उठा, लीगल फ्रटर्निटी ने जिस तरह से सवालात उठाए, तो वहां पे भी रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि एक क्लियर कट डिवाइड आ गई है। देखें एक एक रिट पिटीशन आती है, जैसे ही बेंच बनता है आपको, मुझे, रजा साहब को, चुगताई साहब को पता चल जाता है कि जी ये फैसला 5-4 आना है। मतलब इतनी हद तक ये मामला चले गए हैं। तो ये प्रोजेक्ट इमरान खान करने के लिए ये सारी चीजें हुई, तो उसका अभी तक तो हमें असर नजर आ रहा है ना। तो जब तक ऐसी चीजें अंडू नहीं होंगी और मेरिट पर जुडिशरी के फैसले जब आएंगे, मतलब उन पर तनकीद ना हो, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि वो कंटेंप्ट में आ जाए, लेकिन देखना तो पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन हर इदारे को करनी होगी। अगर अभी भी ऐसे लोग एस्टेब्लिशमेंट में हैं जो कि हमें अगर ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब की अभी भी कहीं ना कहीं से अगर सपोर्ट है, अगर उनकी कोई मदद हो रही है किसी भी सियासी जमात की हो रही है, वो बंद होनी चाहिए। अगर अगले इलेक्शन में हम जाएंगे और ये चीजें अंडू नहीं होंगी और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, तो इमरान खान साहब जीतेंगे, पीडीएम रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, पीडीएम जीतेगी खान साहब, सो वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। हम सर्कल्स में चलते जाएंगे और मुल्क का सत्यानाश होता जाएगा। इसी को कंटिन्यू करेंगे रज़ारूमी साहब, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी तो इस पर बात करेंगे कि साकिब निसार साहब के हवाले से मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की मुलाकात हुई, आदिल शाहज़ेब साहब की ज़्यादा तफसील से मुलाकात हुई और सबसे पहले बात हुई, फिर उन्होंने मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ का इजहार किया। इनफैक्ट जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने अलग मौक़िफ़ दिया, आदिल से एक और, आदिल का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, अजमल जामी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, कुछ और जर्नलिस्ट का कुछ और था। तो मेरा सवाल ये कि अंडू इस तरह भी तो हो सकता है कि जो कैरेक्टर्स अब सामने आ रहे हैं, जो लोग सामने आ रहे हैं उनका क्या करना है। एक ब्रेक लेते हैं फिर से बात करें। प्रोग्राम में खुशाम जी रज़ा रूमी साहब, बताइएगा कि जो जैसे जन फैज हमीद ने कहा कि जो मैंने किया वो मैं कमांड के तहत कर रहा था, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आप गैर कानूनी चीज़ को कैसे फॉलो कर सकते हैं, साकिब निसार साहब के हवाले से मैं अब सवाल रेज कर चुकी हूँ, ये जो लोग जिनके नाम सामने आए उनके हवाले से कोई कार्रवाई होगी या कोई स्टेटमेंट आएगी या कोई पॉलिसी बयान आएगा तो हम समझेंगे कि चीज़ें तब्दील हो रही हैं, इन लोगों का क्या किया जाए। जी देखिए देखिए बतूल, जो अशखास या अफराद होते हैं वो यकीनन एक रोल अदा करते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ ज़्यादा अहम बात होती है इदारों की अपनी इंटेग्रिटी और उनकी अपनी गैर जानिबदारी की। अब ये जो जनरल फैज़ हमीद जो कुछ करते रहे 6 साल जो उन्होंने यहाँ पर किया और जिसके कि शवाहिद खुद एतराफ़ उसके बहुत सारे और उसकी बहुत सारी जो है वो एविडेंस मौजूद है और सबके सामने है, उसको अंडू, ये जो आदिल कह रहा था ना अंडू करना, यानी कि उसको वो इदारों को ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए ये काफ़ी नहीं है कि आप सहाफ़ियों से बात करके तो उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, सफाइयाँ पेश कर दें, वो जो फैसले थे उनको अंडू करना पड़ेगा। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 4-5 गैर मुंतखब लोग जो हैं वो पकड़ के फारिग कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को की नजरसानी करके उसको अंडू करना पड़ेगा, वो जो इनजस्टिस हुआ है उसको रिड्रेस करना पड़ेगा। इसी तरह दीगर और फैसले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच को ये लेने पड़ेंगे। और जो एक तरीकाकार पहले बनाया गया था, देखिए ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान है ना, असल में ये एक बोतल से जिन निकल चुका है। अब मसला ये भी है कि ये इसके लिए वो कोशिश तो कर रहे हैं बड़ी, लेकिन वो कैसे करें, क्योंकि आप देखें ना हर फैसेट में
ISPR ने जो ट्रोल्स की फैक्ट्रियां बनाई वो ट्रोल्स उन्हीं को आ जाके तो उन्हीं के फौजी अफसरान को और फौजी लीडरशिप को अक्यूज कर रहे हैं। वो लोग जो उनके अपने पे रोल पे थे वो इमरान खान की मोहब्बत में अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। यही आलम आप देखिएगा कि और इदारों में भी रहा है। तो ये जो सफाई का प्रोसेस है ये करना पड़ेगा, ये अदलिया में भी करना पड़ेगा, ये फौज में भी करना पड़ेगा, ये मीडिया में भी करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मीडिया हाउसेस जो बनाए गए जो कि वाजे तौर पे एजेंसियों की उसमें मंशा और उनकी इंजीनियरिंग शामिल थी, उनको भी उनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। देखे ना, ऐसे तो नहीं है ये काम चलेगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप एक जो है आपके जी अब हम ला ताल्लुक हो गए हैं। ये दैट्स नॉट इनफ। बतूल, आपकी बात दुरुस्त है थियोरेटिकली कि पॉलिटिकल साइंस में यही लिखा होता है कि जी पीछे हो जाए फौज तो मुल्क का निज़ाम चलता है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा गंद पड़ चुका है कि उस गंद की सफाई भी करनी होगी ना इन्हीं इदारों को। तो इसीलिए इनको बार बार जो अपील्स भी की जाती हैं, सियासतदान भी कहते हैं, मीडिया वाले भी कहते हैं, पाकिस्तान के दानिश्वर और तजिया कार जो है वो भी यही लिखते हैं कि भाई आगे बढ़ के सफाई करें अपने इदारों की। अंदर जो आपने काम किया है पिछले 6-8 साल 10 साल में, जो प्रोजेक्ट आपने जो बूटे लगाए थे, अब वक्त आ गया कि उस बाग की जो है ना वीडिंग की जाए और उसमें से जो जड़ी बूटियां जहरीली हैं उनको बाहर निकाल के फेंका जाए, वरना कैसे। लेकिन सब में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, रजा रूमी साहब एनबीसी को भी शामिल करते हैं। एनबीसी, ये अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर की कमेटी के सीनियर रुकन ब्रेट शर्मन ने इमरान खान से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि बैन अल-अक़वामी मामलों पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से इत्तफाक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। इससे पहले भी इंटरेस्टिंगली आई हैव लिटरली हर्ड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें लाहौर के वाक़े का बिल्कुल जिक्र नहीं था, लेकिन कुछ टीवी चैनल्स ने, कुछ जर्नलिस्ट ने ये खबर दी कि यूनाइटेड नेशंस में लाहौर में होने वाले SPTI वर्कर का जिक्र हुआ, जो कि होता तो गलत ना होता, बिल्कुल होना चाहिए, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं तो आप गलत रिपोर्ट नहीं कर सकते। और ये जो अमेरिकन्स के साथ मुख्तलिफ लॉबीज के साथ इमरान खान के रवाबित चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये हेल्प करेगा इमरान खान को आगे जाके? थैंक यू बतूल, और मैं दोस्तों की तमाम बातों में शामिल हूँ जो आपके बारे में कही गई हैं, और आप अकेली नहीं हैं, हौसला रखें, बहुत बहुत से लोग हैं, बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके साथ ये हुआ है। खैर, आगे चलते हैं। अभी जो दोनों दोस्त बात कर रहे थे मेरे उस्ताज़ा में शामिल हैं, ये 4-5 बरस की बात कर रहे हैं, 7-8 बरस की बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा और जाना पीछे जाना चाहिए। ये पौधा तो हमीद गुल के लगाया हुआ था, ये पौधा हमीद गुल ने लगाया था जब उसने सत्तारीदी से कहा था कि तुम इन तहरीक-ए- इंसाफ में शामिल हो जाओ तो तुमको अगवा कर लिया जाएगा। तो हस्तारीदी साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं मुल्क से जा रहा हूँ, मुल्क छोड़ रहा हूँ मैं, और वो तकरीबन तैयार थे। फिर उनकी मन्नत समाजत की गई, सिविल सोसाइटी गई, उनको रोका गया, वो तो खुल के उन्होंने बात की थी, मुझे हमीद गुल ने कहा है। तो हमीद गुल का पौधा, ज़हीरुल इस्लाम का लगाया, कोका ने पानी दिया, शुजा पाशा ने पानी दिया उसको, और जाहिर इस बात है वो अकेले नहीं थे, वो एक पॉलिसी के तहत काम कर रहे थे। तो हमें किसी की सबको किसी को फ़र्द के शक्ल में नहीं देखना चाहिए, मेरा अपना ख्याल ये, कोई फ़र्द नहीं होता। दूसरी बात यह कि इन सबकी पुष्पनाही कुछ जज भी कर रहे थे, कुछ जजों ने भी फैसले दिए, और जिसका एक हवाला दिया रजरोमी साहब ने कि एक प्राइम मिनिस्टर को तो आपने टांग दिया एक जाली फिक्स बेंच के जरिए, उसको फांसी लटका दिया आपने, एक को आपने खत ना लिखने पर घर भेज दिया, एक को आपने बेटे से तनहाने रहने पे घर भेजे। कौन लोग हैं आप यार? अवाम के मुंतखिब नुमाइंदों को इस तरह घर भेजने वाले कौन हैं आप? आपको किसने हक दिया गया फांसियां दें एक ऐसे केस में जो केस ही नहीं था? तो ये एक बहुत तवील दास्तान है, दर्द भरी दास्तान है, इसमें सब शामिल हैं, इसमें सियासतदान भी शामिल हैं जिन्होंने हल्ला शेरी किया कि हाँ लटका दो इसको, इसमें दूसरे भी शामिल हैं इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, जब वो डिस्क्वालीफाई हुआ तो उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, वो भी शामिल है। तो इन सबको बैठकर माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से, पहली बात तो ये, अपनी गलतियों का इतराफ़ करना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, इसके बगैर मसला हल नहीं होगा। माफियों का मुतालबा तो हम लोग 71 से कर रहे हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी ने एक छोटी सी तकरीर की है और उसमें उन्होंने जिस फर्क दिया है कि पाकिस्तान का आइन सबसे बेहतरीन आइन है दुनिया में, जिसमें हर चीज़ मौजूद है और किसी चीज़ की तशरीह की ज़रूरत नहीं है,
अब बहुत वाजिया बात है वो किसे कह रहे हैं, किसी चीज़ की तशरीह की ज़रूरत नहीं है। 63A पर आप तशरीह कर देंगे उसमें आते हैं तो कुछ आइन लिख जाते हैं, आप आइन मनसूख कर देते हैं, आप आइन मुअत्तल कर देते हैं, आप आमिर को टाइम दे देते हैं 4-4 साल 5-5 साल का कि चल तू हुकूमत कर ले। जी आदिल, आपको लगता है कि कमीशन बन सकते हैं हमारे मुल्क में, और मोहम्मदुर्रहमान कमीशन से लेके अब तक जिसको पहले पब्लिसाइज करना मुश्किल था, फिर उसको रिपोर्ट करना। कमीशन के हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसके बाद जब कमीशन बन जाता है, इंक्वायरी हो जाती है, रिपोर्ट रुक जाती है, फिर वो रिपोर्ट आती नहीं है, फिर वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं देखे ना, मोहम्मदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट कहां से लीक हुई, कितने साल बाद हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये कमीशन्स वगैरह जो हैं, ये देखे शायद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पास देखे एक आयन की सूरत में आपके पास एक किताब मौजूद है और बड़ी मुकद्दस किताब है हमारे लिए कि हमने उसी को फॉलो करना होता है। आप अगर उसको फॉलो नहीं करते, उसके लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, चाहे वो मिलिट्री आमिर आए, चाहे वो सियासी रहनुमाओं की सूरत में आमिर आए। लेकिन आप इमरान खान साहब ने जो कासिम सूरी ने अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होने दी, उसी के बेस पे असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, सदर मुमलिकत और इमरान खान भी अपने अपने ऑर्डर शुरू कर देते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप तीनों ने आइन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन इन तीनों के खिलाफ क्या हुआ। तो यही तीनों अगर दोबारा इक्तदार में आते हैं और वो करने में उनको कोई आर महसूस नहीं होगा कि हमने पहले भी कर चुके हैं, हमारे खिलाफ फैसला भी आ चुका है, तो क्या होना है। तो देखिए, जब तक आप सजाएं देना शुरू नहीं करेंगे, चाहे वो फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स हों, चाहे वो सियासतदान हों, जिसने अपने दौर में अगर 1% भी आइन के साथ खिलवाड़ किया है, तो उनको बाकी जेलों में ना डाले, सिंबॉलिक सजा दे दें। लेकिन ये इस चीज का आगाज हमें करना पड़ेगा, या तो फिर आप ये करें कि आइन को आप बिल्कुल फाड़ के और रदी की टोकरी में फेंक दें, जो कि अब तक हमने होते हुए देखा है, जिसको जो सूट करता है अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए उसने आइन को उसी तरह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। तो असल जो है ना, वो आइन जो है, अगर हमने पाकिस्तान को आगे चलाना है और एक खुशहाल मुल्क बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास एक रोड मैप मौजूद है आइन की सूरत में, वो आप करें। एक मैं कमेंट करना चाहूंगा बतूल, जो आपने साकिब निसार साहब की बात की, क्योंकि उनसे मेरी बात हुई थी, तो कुछ चीजें मैं उसका रिकॉर्ड सेट करना चाहता हूं, और वो मैं अभी तक ना मैंने लिखी है ना मैं उस पर बोला हूं, क्योंकि मेरी नजर में अगर एक जर्नलिस्ट एक खबर ब्रेक कर देता है, उसके बाद तो जितनी पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, आधे कहेंगे ये प्लांटेड था, आधे उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो उसमें मैं बिल्कुल ओपिनियंस वगैरह नहीं देना चाहता, लेकिन जो साकिब निसार साहब से जो मेरी बातचीत हुई वो बड़ी क्लियर थी, 10-11 मिनट हमारी बात हुई, सुबह मैंने 10 बजे उनसे बात की, और तीन चीजें उसमें बड़ी क्लियर उन्होंने मुझे बताई। एक तो ये कि जनरल फैज से उनका रब्ता है, और ये उस सवाल के जवाब में कहा कि जी आप पर इल्जाम ये है कि आप जनरल फैज से मिलकर इमरान खान साहब के लिए अदलिया में लॉबिंग कर रहे हैं, जिससे उन्होंने इनकार किया, लेकिन ये कहा कि जनरल फैज, मैंने जब उनसे पूछा आपका रब्ता है जनरल फैज और इमरान से खान साहब को, उन्होंने कहा मेरा रब्ता नहीं है, जो वो गलत बता रहे थे, क्योंकि बाकी लोगों से उन्होंने इकरार किया है कि खान साहब के साथ भी उनका रब्ता है, लेकिन जनरल फैज को उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो मैसेजेस वगैरह मुझे भिजवाते रहते हैं। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि जी इमरान खान साहब सादिक और अमीन है या नहीं है, उन्होंने कहा जी मुकम्मल तौर पर मैं उन्हें सादिक और अमीन नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे उनके उन मामलात का नहीं पता जो कि मेरे सामने कभी नहीं आए। हाँ, जो केस मेरे सामने था, उस केस की हद तक मेरे सामने जो हकायक थे, मैंने उस केस की हद तक उन्हें उस मामले में सादिक और अमीन कहा था, बाकी उनके जो मामलात हैं मुझे उसका बिल्कुल पता ही नहीं है। फिर मैंने उनसे उनके कंट्रोवर्शियल डिसीजंस का तस्करा किया कि जी ये जो कंट्रोवर्शियल आपकी काफी कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ फैसले आपके गलत हुए हैं, ये एक इंप्रेशन है बताया जाता है लीगल फ्रटर्निटी की जानिब से। उन्होंने कहा जी मैं इंसान हूं, गलतियां मुझसे हुई होंगी। अब एग्जैक्टली वही चीज कोर्ट ऑन कोर्ट मैंने रिपोर्ट की, मुझसे बात अंसार अब्बासी साहब ने उनको कॉल की, उन्होंने अंसार अब्बासी साहब को मुझे कहे एक एक लफ्ज की तस्दीक की, जो अंसार अब्बासी साहब ने व्लॉग किया। फिर अजमल जामी और शामी साहब की उनसे मुलाकात हुई, उनको उन्होंने तस्दीक की, वो जनाब व्लॉग की शक्ल में वापस जो है उन्होंने तहरीर किया। अब जो उनसे 4-5 और जर्नलिस्ट मिले,
जो कि यूजुअली यूट्यूबर्स कहलाते हैं लेकिन जर्नलिस्ट हैं ठीक है, जो कि नॉर्मली पीटीआई की लाइन टो करते हैं, उनका दावा यह है कि साकिब निसार साहब ने कहा कि मेरी तो आदिल शाह ज़ेब से बात ही नहीं हुई, एक को कहा कि मैंने तो आदिल शाह ज़ेब से इमरान खान के बारे में बात ही नहीं, मुझे कहा था कि मेरा ख्याल है कि बात हुई है ख्याल, एक को कहा कि जनरल फैज और जनरल बाजवा के बारे में इमरान खान से बात ही नहीं हुई। मैं आज आपके शो में कह रहा हूं कि मैंने जो रिपोर्ट किया या मैंने जो कहा अगर उसमें से 1% भी गलत साबित हो जाए तो मैं बिल्कुल स्क्रीन छोड़ने के लिए तैयार हूं। सहाफत तो छोड़े, मैं यूट्यूब पे भी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा ख्याल, और साकिब निसार साहब पब्लिकली कह देना वो क्यों मतलब, और मेरा नहीं ख्याल अब देखे ना कोई उनसे बात कर रहा है वो आके बाहर कुछ और कह रहा है, तो आई विल ओनली, उनका उनका बेटा जो है वो बड़ा सुना है कॉम्पिटेंट लॉयर है, कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में डिफेमेशन के लॉज हैं, अदालतें मौजूद हैं, वो साबिक चीफ जस्टिस हैं, सो नथिंग इज स्टॉपिंग हिम, वो कोर्ट में चले जाएं मामलात जी, बिल्कुल ये बहुत अहम सवाल है कि वो व्हाई इज ही क्वाइट, लंदन पे कर ले, लंदन पर तो सुना है अदालतों में कोई दबाव भी नहीं होता, तो मैं यहाँ पे हूँ, एक एक लफ्ज पे मैं कायम हूँ, और उसके बाद जो उन्होंने 3 मुस्तनद और सीनियर सहाफियों से बात की है, मेरे ख्याल में अगर वो ही बतौर गवाह पेश हो जाए तो फिर आदिल मुझे लगता है कि ये ना मैंने कोई मेल की, मैं एम्बैरस हो रही हूँ कि व्हाई आर यू एक्सप्लेन, डोंट एक्सप्लेन इट सो मच, आपकी खबर है, यू टाइम बाय योर न्यूज़, लेकिन मैं इसलिए लेकिन मैं, हम जिस दौर में रहते हैं समटाइम्स वी हैव टू से दिस, आई टोटली अंडरस्टैंड, ये रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं कि ये मेरा वर्जन इस वक्त इस मामले पे ये है कि मैं अपने एक एक लफ्ज पे कायम हूं, और जो बातें मैंने की हैं वो उससे बैक ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ये बातें उन्होंने की हैं, ना सिर्फ मुझसे की हैं बल्कि उसके बाद 3 सीनियर सहाफियों से तस्दीक भी की है, जिन्होंने इसलिए उनसे मुलाकात की या गुफ्तगू की कि आदिल शाह ज़ेब ने तो बहुत बड़ा धमाका कर दिया, आपने ये कहा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने ये बात मैंने की है, ये भी किया, ये भी किया और ये भी किया। अब बाकी अगर आज वो किसी से मिलने और वो कहें कि मैं तो आदिल शाह ज़ेब को ना जानता हूँ ना बात की है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें बस हम सब्र कर सकते हैं क्योंकि ये दिस इज द ओनली थिंग वी आर लेफ्ट विद दिस ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं उस नए पॉइंट ऑफ व्यू की आपसे बात करूँगी जिसका जिक्र मैं प्रोग्राम के शुरू में करी थी, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आया है उससे बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद जी, रजा रूमी साहब, बेसिकली मैं पढ़ी थी अहमद बिलाल महबूब का कॉलम जो कि मैं रूटीन में पढ़ती हूँ क्योंकि वो इलेक्शन पे बड़ी क्लैरिटी से लिखते हैं आपको पता है, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और मैंने कहा यार ये बिल्कुल ठीक बात है, शायद ऐसा ही है, क्योंकि मैंने जब गद्दार कौन पढ़ी जो सुहेल वराइत साहब ने लिखी थी नवाज शरीफ से मिलके, उनके तवील इंटरव्यूज़ हैं उसके अंदर, बहरानों की सियासत एक किताब है नवाज शरीफ के ऊपर, वो इतने बड़े जर्नलिस्ट ने शायद नहीं लिखी लेकिन वो किताब पढ़ने के काबिल है, उसमें भी मुझे याद है कि इसी तरह की बातें थीं और नवाज शरीफ साहब ने खुद गद्दार कौन में एडमिट किया है कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर आ नहीं सकते आप, उनको क्या सपोर्ट थी वो एक अलग बात है लेकिन उनकी क्या नर्सरी थी वो एक अलग डिबेट है, लेकिन उनकी ये बात रिकॉर्ड पे है। और अहमद बिलाल महबूब साहब ये लिखते हैं कि जो नई बात है कि हमारी सियासी जमातों को आदत पड़ गई है, उनको आदत पड़ गई है इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की, और वो चाहे कोई भी जमात हो उसको आदत पड़ चुकी है, हर जमात इंफरादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है, चाहे वो जितना भी एंटायर इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाए इवेंचुअली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आप हमें कब सपोर्ट करें। जी रजा रूमी साहब, और वो ये भी लिखते हैं कि जब तक सियासतदान अपनी इसी आदत से बाहर नहीं निकलेंगे ये क्योस ही रहेगा, उनकी आदत ये ख़त्म होगी, क्योस ख़त्म होगा फिर जाके हमें लगेगा कि हम जमहूरियत में रह रहे हैं। जी रजा रूमी साहब, बतूल आपने बिल्कुल सही बात कही, आपने किताबों के हवाले दिए और वैसे भी तारीख गवाह है कि ये बात जो आप कह रही हैं ये वो क्या है कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, कि 75 साल में खुद जनरल बाजवा साहब ने इसका इतराफ़ किया जब उन्होंने अलविदाई तकरीर अपनी की, उन्होंने कहा कि जी हम 70 साल से सियासी मदाखलत करते आए हैं, अब हम पीछे हट गए हैं, चलिए वो तो अल्लाह करे कि ऐसी बात हो,
तो बात यह है कि और जो सियासतदान भी करते हैं कि सियासतदान भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद मांगते हैं, कोई उसमें शक नहीं है, लेकिन बतूल ताली तो दोनों हाथों से बचती है ना। अगर सियासतदान इसलिए क्यों मदद मांगते हैं कि वो दूसरा फरीक ज्यादा ताकतवर है, उसके पास ये पावर है कि वो आपको फांसी पे लटका सकता है भुट्टो की तरह, या आपको एग्जाइल में भेज सकता है नवाज शरीफ की तरह, या ये कि अगर बेनजीर भुट्टो को सड़क पे कत्ल हो जाती है, सिक्योरिटी नहीं दी जनरल मुशर्रफ ने। हम ये सारी एग्जांपल्स हमारी तारीख जो है लबरेज है इनसे। तो बात ये है कि सियासतदान जब तक आपस में मिलकर एक, जैसे कि उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था बेनजीर और नवाज शरीफ ने, आज भी पाकिस्तान को ज़रूरत है। और क्योंकि इमरान खान को उस मिसाक जमहूरियत में लाना है, इमरान खान एक और उसमें से एक एक्सक्लूजन है या एक अलग फिनोमेना है कि वो जब तक वो जमहूरी असूलों पे नहीं खेलेंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट पे दौड़ें क्यों लग रही हैं, शहबाज शरीफ की या जरदारी की, या ये इमरान खान क्यों मदद मांग रहा है कि मैं तो बात करना चाहता हूँ जनरल आसिम मुनीर से, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं मैं बात नहीं करना चाहता, नहीं मैंने कोई पैगाम भेजा है, नहीं भेजा। मैं कोट करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि नया आर्मी चीफ आएगा तो तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि सख्ती आई। तो जो तब्दीली है, it seems to be really interesting। ये तब्दीली जाए, बतूल पता नहीं आप पीरो फकीरों को मानती हैं कि नहीं मानती। जब आप कहीं जाते हैं ना दरबार में तो वो आपको थापड़ा लगाते हैं, डंडा, एक एक डंडा पीर भी होता था इस्लामाबाद में, सारे सियासतदान जाते थे। तो वो होता ही है कि GHQ का एक एक डंडा होता है, वो प्यार वाला, छड़ी वाला, अच्छा छड़ी वाला जी। तो वो बतूल, वो उनको नहीं, थापड़ा नहीं मिल रहा ना। देखिए वो तो पूरा साल उन्होंने लगा दिया, 2022 उन्होंने कहा कि देखो, अच्छा, मैं इतना ईमानदार, इनकरेज करने की सेंस में आप बात कर रहे हैं, इनकरेज जी, ओके, मतलब थप्पड़ नहीं, कुछ और ही मतलब है इसका, ठीक है, आई गॉट यू, थप्पड़ थापड़ा थप्पड़ ठीक है, सबकी सबकी एक ओके एग्जैक्टली डंडे से जी जी डंडे से आ गया, सबकी लगती है वो रजा भाई कह रहे हैं, ठीक है। तो वो तो 2022 उसने कहा देखो मैं तो इतना ईमानदार था, आपने मुझे ईमानदार करार दिया, सादिक अमीन डिक्लेयर किया और आपने मुझे बीच मंझदार छोड़ दिया, और मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। पूरे 2022 में उनकी कोशिश रही कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ, और वो क्या नाम ही ले लीजिए, एक उम्मीदवार तो यही थे साहब जो के नए आर्मी चीफ के लगने के बाद खुद दो जनरल्स ने छोड़ दिया आर्मी, उन्होंने कहा हम सल्यूट नहीं करेंगे नए आने वाले चीफ को। अच्छा, अब बात ये पैदा होती है कि ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ये कब हुआ है कि एक ऑपोजिशन का लीडर सड़कों पे खड़े होकर कहे कि जी मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होना चाहिए, हैं जी, ये कोई मुल्क है या बनाना रिपब्लिक? मुझे वाइंड अप पे जाने और मुझे इसी सवाल का जवाब बाकी मेहमानों से भी चाहिए जी। आदिल मुझे बताएं, जो सियासतदानों की सियासतदानों की आदत का जिक्र कर रहा है अहमद बिलाल, उस आदत का क्या करना है, वो कैसे खत्म? कौन सी आदत अहमद बिलाल साहब ने कही? उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करने की आदत पड़ गई है, इनकी आदत, इनको ये आदत है, ऐसे देखिए से बाहर निकलेंगे तो कुछ होगा। देखिए ये आदत तो है, लेकिन क्या ये एक बिटर रियलिटी नहीं है? आप मुझे बताएं कि 2018 के इंतखाबात में एस्टैब्लिशमेंट की मदद इमरान खान साहब के पास ना होती तो वो नहीं बन सकते थे। इसी तरह आप हर एक सियासतदान तकरीबन उठा के देख लें, भुट्टो साहब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी लीडर माना जाता है, और वो बेशक थे, जितने वो पॉपुलर थे और एंटी एस्टेब्लिशमेंट के मतलब एक जो बयानिया था वो लोगों ने भुट्टो साहब के दौर में देखा, और उसके बाद जो मतलब उन्होंने ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की बुनियाद रखी जो कि बेनजीर भुट्टो ने फिर आगे बढ़ाई। लेकिन खुद भुट्टो साहब के बारे में भी जो कहा जाता है, जो कि फैक्ट भी है, कि वो उनकी इंट्रोडक्शन कैसे हुई पॉलिटिक्स में, उनकी इंडक्शन वर्ड होना चाहिए था, वो कैसे आए, ठीक है, सर शाहनवाज भुट्टो भी थे, बाकी भी वो क्या कहते हैं, वो एक फ्यूटल उनका बैकग्राउंड था, लेकिन हकीकत में तो जिस तरह से भुट्टो साहब प्रॉस्पर हुए वो तो अंडर अयूब खान की मतलब उनकी कैबिनेट में थे ना, ठीक है, मकबूलियत और सॉरी जहानत और वो भुट्टो साहब में काबिलियत अपनी जगह पे मौजूद थी। तो ये 75 साल जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है उसमें जितने भी बड़े बड़े रहनुमा आए हैं, आप सबको उठा के देख लें कि उनकी अगर एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग ना होती तो शायद वो इतना उनको राइज ना मिलता। अलबत्ता सबको एक क्रेडिट जरूर देना चाहिए,
कि तकरीबन वो लोग रियलाइज हो गया बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए वो फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट का सिंबल भी बने। फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया, अब नवाज शरीफ साहब भी जियाउल हक साहब के दौर में सियासत में उनकी एंट्री हुई थी, या फिर इमरान खान साहब को अब देख लें, इमरान खान साहब को बनाया एस्टेब्लिशमेंट में गवर्नमेंट में लेके आए, आउट ऑफ द वे जाके उनकी गवर्नमेंट चलाई, लेकिन इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट पर जितनी तनकीद कर रहे हैं तो ये एक रियलिटी है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, देखिए मैं एक एक मैं बार बार एक बात करता हूँ, आज आपके शो में भी कर दूंगा, एक सेंटेंस में मैं इसको खत्म कर देता हूँ कि पाकिस्तान में एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत बिकती तो है वो चलती नहीं है, और यही है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत बोध भी कर लें ये बिक जाती है, अब मासेस बिक जाती में है, चलती नहीं है, एनबीसी योर लास्ट कमिंग योर क्लोजिंग, आप इक्तदार में अगर आ भी गए इक्तदार आपका नहीं चल सकता जब तक आप एक पेज पे नहीं आएंगे, ये एक रियलिटी है विच इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन इसीलिए हर सियासतदान आज समझता है कि अगर उन्होंने इक्तदार में आना है, अगर उन्होंने इलेक्शन जीत के इक्तदार में आना है और फिर इक्तदार को चलाना भी है तो उनको मकबूलियत के अपनी आवाम में साथ साथ कबूलियत भी बढ़ानी पड़ती है, और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये मुझे लगता है आप पे आमद हुई बात करते करते, ये मुझे लगता है आपने ये कबूलियत वाला वर्ड पहले नहीं कहा होगा, आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लेटर। जी एनबीसी ये कबूलियत मैं ही कह रहा था, मैं दो तीन पॉइंटर दूंगा आपको कि भुट्टो साहब ने उरूज पर काबीना छोड़ी थी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए थे, मतलब काबीना में रहते हुए एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए थे अपने लीडर के मरने के बाद नहीं हुए थे। लेकिन अमेरिका भी फैक्टर है, आजकल अमेरिका से ताल्लुकात बनाने की कोशिश हो रही है, सब उस मिल रहे हैं, फवाद चौधरी भी जा रहे हैं, अमेरिका में भी लोग मुलाकातें कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं, उसको भी सलाम किया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को भी सलाम किया जा रहा है, तो अब जाहिर है देखते हैं कहाँ तक बात पहुँचती है। बहुत शुक्रिया एनबीसी, बहुत शुक्रिया एनबीसी, बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब साहब, बहुत शुक्रिया ज़र रोमी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे, नाज़रीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।